बद्दी पुलिस की ओर डोडुवाल युवक की हत्याकांड के चार आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। गौर रहे कि बद्दी क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते कल ही इस युवक का शव मानपुरा थाना के तहत डोडुवाल के नजदीक बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू की और इस मामले में पुलिस ने अब चार आरोपियों इंद्रप्रीत, अमनदीप, लखविंदर उर्फ लक्की व दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में दो युवक बद्दी के भुड, एक युवक नालागढ़, एक युवक हरियाणा का बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस आगामी जांच कर रही है। वह इस मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने जानकारी दी कि बद्दी पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली वैसे ही पुलिस मुस्तैद हो गई और सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सहायता मिली। वहीं उन्होंने कहा कि चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। ये जो मानपुरा में कल जो हत्या का मामला एक दर्ज हुआ था 302 धारा के अंतर्गत, तो कल इसमें जब 26 की रात को एक व्यक्ति हरभजन सिंह जो गांव डोरिया का निवासी था वो रात को अपनी बाइक पर कहीं निकल गया था और 27 की सुबह तक वापस नहीं आया। जब वो सुबह वापस नहीं आया तो परिवारजनों ने थाना में जो है रिपोर्ट कराई और पुलिस की टीम जो है उसको व्यक्ति को खोज में निकल गई। साथ ही साथ परिवारजन जो है गांव वालों को लेके भी जो है इस व्यक्ति को ढूंढने निकल गए थे। तो जो व्यक्ति की लाश है वो डोडू वाला चौक जो है जो मानपुरा के क्षेत्र में पड़ता है वहां पर मिली। तो उन्होंने मानपुरा थाने को सूचित किया और मानपुरा थाने ने जो है खुद SHO ने आकर साथ ही साथ जो एडिशनल SP बद्दी है उन्होंने भी स्पॉट का विजिट किया और जो साथ में आसपास जो जितने भी कैमरा लगे थे उसके थ्रू और जो गांव वालों को साथ में शामिल करके जो है इन्फॉर्मेशन निकाली कि कौन मर्डर कर सकता है। तो उसी सूचना के आधार पर जो है तकरीबन चार व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। ये जो चार व्यक्ति हैं इनका नाम है इंद्रप्रीत जो है वो है नालागढ़ के निवासी हैं, जो दूसरे हैं अमनदीप सिंह वो पिंजौर के निवासी हैं, एक लखविंदर है वो भुड का निवासी है और एक दीपक कुमार है वो भी भुड का निवासी है। तो ये जो चार व्यक्ति हैं इनका मेडिकल करा के जो है इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनसे रिमांड लिया जाएगा। और अभी जो मोटिव है वो एज सच क्लियर हो नहीं पाया पूरा, तो अभी जब पुलिस रिमांड लेंगे तो तब पता चलेगा कि उन्होंने किस हथियार से जो इसकी हत्या की है उसकी भी रिकवरी करनी है, साथ ही साथ जो क्या मोटिव रहा इनकी, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या कुछ और कोई और कारण था उसके बारे में भी जो है पता लगाया जाएगा। सर मौके पे जब ग्रामीण थे तो सर उनका कहना था कि पुलिस ने वहां से कुछ रॉड्स और कुछ साइकिल गियर वगैरह कुछ ऐसे बरामद किए हैं सर, उस बारे में तो नहीं सर कोई अभी ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी आई नहीं। अगर ऐसा कुछ हासिल किया होगा तो वो भी रिकॉर्ड में लिया जाएगा और अगर उसमें कोई ऐसा कोई ब्लड या कुछ होगा तो उसको जांच के लिए भेजा। हाँ जो चारों आरोपी है उनमें से उन्होंने बताया है कि कुछ व्यक्तियों ने जो है उसकी जो है हत्या में शामिल थे और एक शायद एक व्यक्ति जो है वो साथ में था। सर तीन लड़के जो है इसमें शामिल रहे। हाँ जी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।